राधे राधे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में महादेव और नारायण के बीच युद्ध करते हुए दिखाया जाता है। नारायण महादेव से कह रहे हैं कि आपने वर वापस नहीं लेके अनुचित किया है, और फिर महादेव भी कहते हैं कि आपने मेरा वर को भंग करके अनुचित किया है। युद्ध के चलते पूरे ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति आ जाती है। सभी देवताएँ और नारद मुनि दोनों से युद्ध रोकने के लिए कहते हैं, पर वह नहीं रुकते हैं। अभी वहाँ राधा और देवी पार्वती आती है और नारायण और महादेव को ये सौगंध देती है कि वह युद्ध छोड़ दे और पीछे हट जाए। तब दोनों पीछे हट जाते हैं और युद्ध रोक देते हैं। राधा कृष्ण से कहती है कि इससे पहले उसने कृष्ण को इतना क्रोधित कभी नहीं देखी थी। तब कृष्ण कहते हैं कि महादेव, इससे पहले भी अनुचित व्यक्ति को बिना उसकी योग्यता को जांचे वर दे दिए थे। फिर वो कहते हैं कि सभी वो कथा सुने और फिर ये निश्चय करें कि महादेव दोषी हैं या नहीं। फिर कृष्ण कथा कहना शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक वकासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसने लंबे समय तक एक विशाल यज्ञ किया, पर उन्हें किसी भी देवताओं से वर प्राप्त नहीं हुआ। वह क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है और उनसे शक्ति प्राप्त करने का मार्ग पूछता है। तो गुरु शुक्राचार्य उसे नारायण की तपस्या करने को कहते हैं। ये देखकर सभी देवताएं नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि वह बिकासुर को कोई भी वर न दें। फिर नारायण नारद मुनि को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं बिकासुर को वर देकर सृष्टि को संकट में नहीं डाल सकता। फिर वो नारद से कहते हैं गुरु के पास जाकर उसे समझाए कि वो मेरे जगह महादेव का तप करे। और फिर आज का एपिसोड इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है।